तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डैड अनरुद्रा। और आज हम लोग जाने वाले हैं गाइज गणेश मंदिर, जो कि गाइज यहां पे 500 साल पुराना मंदिर है। पर वहां पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सामने चीज़ आप देख रहे हैं ये है जोधपुर का सर्किट हाउस। और शाम के टाइम पे क्या ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी वगैरह होती है, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गाइज यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे नया जो शोरूम खुला है वेस्ट साइड का, आप देख सकते हैं, जहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल के एकदम ट्रेंडी लुक के लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलते हैं। नया खुला है बिल्कुल, अभी कुछ ही दिन हुए हैं वेस्ट साइड को खुलते हुए। तो ये है गाइज हमारे सर्किट हाउस के आगे का एरिया, और यहाँ से रातानाडा की रोड शुरू होती है। और रातानाडा की रोड पे ही आगे भाटी चौराहे से पहले गणेश मंदिर पड़ता है लेफ्ट साइड में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं देखते हैं राइट साइड में, तो काफ़ी सारे शोरूम्स हैं जो कि शाम की रोशनी में बहुत ज़्यादा ही ऑसम लगते हैं। तो गाइज और यहाँ पे आप विज़िट करते हैं तो यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ऑन द रॉक्स भी सामने दिख रहा है, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट है, बार है, बहुत अच्छा है। विज़िट कीजिए कभी जोधपुर आते हैं तो बहुत आपको मज़ा आएगा। और ये सब चीज़ें तो लेफ़्ट में हो चुकी, राइट में हो चुकी हैं, और लेफ़्ट की तरफ अपना गणेश मंदिर है। तो थोड़ी सी गाड़ी को फास्ट करते हैं और फटाफट से चलते हैं गणेश मंदिर की तरफ, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा गाइज जिन्होंने गणेश मंदिर अभी तक विज़िट नहीं किया है जोधपुर का, तो गाइज जल्दी से आओ जोधपुर और विज़िट करो, बहुत ही ऑसम मंदिर। और यहाँ पर की गई सारी मनोकामना गाइज सच्ची कह रहा हूँ पूरी होती हैं। मैं इसका एकदम लाइव एग्जांपल हूँ, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी हुई हैं और मैं बार बार इस मंदिर को विज़िट करता हूँ जब भी मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो गाइज यहाँ पे जो ये मोड़ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से ही गणेश मंदिर की चढ़ाई जो शुरू होती है, और यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं ये वेनसडे को गया था, तो वेनसडे को काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और भीड़ के मुताबिक भी मैं आपको बताना चाहता था कि गाइज यहाँ पे वेनसडे को किस तरह से भीड़ होती है, तो इसीलिए मैं वेनसडे को यहाँ पे आया था। और आप देख सकते हैं कि गणेश मंदिर जो सामने बहुत दूर की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो बहुत रोशनी दिख रही है आपको, बट उससे पहले यहाँ पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आपको पूरा व्यू दे सकूँ। मैंने डायरेक्ट मंदिर से इस ब्लॉग की शुरुआत नहीं की है गाइज, मैंने यहाँ पे आपको पूरा रोड दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से गणेश मंदिर के अंदर जाया जाता है। तो यहाँ पे जब रोड क्रॉस करके अपन लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो गाइज यहाँ पे जो चढ़ास है वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, और यहीं से स्टॉल वगैरह शुरू हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाड़ी की पार्किंग है, आप चाहें तो गाड़ी की पार्किंग में भी गाड़ी रख सकते हैं, और आप चाहें तो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन और है कि आप अगर गाड़ी यहाँ पे खड़ी करना चाहें तो खड़ी भी कर सकते हैं, बट हमारा थोड़ा मूड चेंज हो गया था और हम लोगों ने जो गाड़ी थी वो आगे की तरफ पार्क की थी। तो गाइज मूड चेंज होने के बाद हम लोग चले सीधे के सीधे ऊपर, और सामने ही देख सकते हैं आप गणेश मंदिर का इतना विशाल गेट बनाया, जो कि इतने सुंदर पत्थरों से बनाया गया। और यहीं से आप लोग लेफ्ट की तरफ जब लेते हैं तो सीधा का सीधा ढलान की तरफ ऊपर चढ़ा दीजिए, और वो देख सकते हैं आप सामने गणेश मंदिर दिख रहा है, तो वहीं पर हमको जाना है। तो यहाँ से हम लोग सीधा का सीधा गाड़ी को ऊपर चढ़ाते हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही मजे वाली राइड है। हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो गाइज वेलकम करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में, और जो आज का जो ब्लॉग है गाइज वो है गणेश मंदिर का ब्लॉग। और मैं आपको जो इस गणेश मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ, ये जोधपुर का सबसे पुराना गणेश मंदिर है, जो कि 500 साल पुराना है। और उसके बाद 500 साल पहले जो बना था, ये प्राकृतिक रूप से जो गणेश जी वो उत्पन्न हुए थे वहाँ पे, उसके बाद राजा महाराजा द्वारा यहाँ पे डेवलपमेंट कराया गया था। आप देख सकते हैं जो डेवलपमेंट हुआ था वो यहाँ पे रातानाडा की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर गणेश जी को स्थापित किया गया था और अच्छे से डेवलपमेंट कराया गया था। और भी इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा। तो गाइज अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पीछे की तरफ आप देख रहे हैं ये बहुत ऊपर चढ़ास है, और चढ़ास जो है उससे पहले आपको बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था और फूल माला और प्रसाद वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे ही, तो वहाँ से आप लेके चढ़ास से गाड़ी ऊपर भी ला सकते हैं। और अगर आप चाहें पैदल आना तो उस तरफ से 150 या 200 सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ से भी आप लोग पैदल की तरह ऊपर आ सकते हैं। पैदल नहीं आना चाहते हैं तो आप गाड़ी भी लेके आ सकते हैं यहाँ पे,
जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे सब लोग गाड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं ऊपर, तो आप लोग भी गाड़ी वगैरह लेके आ सकते हैं। और सीधा कैसे चलते हैं अंदर, और मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा। अंदर वैसे कैमरा अलाउ तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा थोड़े बहुत सीन लेने की, ताकि आपको दिखाना है मुझे। और वीडियो अगर पसंद आए तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना तो बिल्कुल भूलना मत प्लीज़। तो गाइज मंदिर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीछे मटके पड़े हैं उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। तो मटकों की हिस्ट्री ये है गाइज कि यहाँ पे जोधपुर में जो भी शादी होती है तो सबसे पहले गणेश जी को निमंत्रण जाता है, और इन्हीं मटकों में छोटे गणेश जी जो गुड़ और सुपारी से बनाते हैं तो उनको बना के अपने घर ले जाते हैं। और जब भी शादी ब्याह का जो भी प्रोग्राम होता है वो पूरा होता है तो वापस जो परिवार वाले हैं वो गणेश जी को छुड़वाने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये मटके रख के जाते हैं। और यहाँ से गाइज जोधपुर का आधा हिस्सा आप देख सकते हैं, जो यहाँ का अपसाइड है आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा का नीचे का पूरा हिस्सा दिखा रहा हूँ, किस तरह से पूरा व्यू है, कैसे गाड़ियाँ खड़ी है और किस तरह से आप लोग ऊपर आएंगे। जैसे कि मैं अपनी गाड़ी से ऊपर आया था, यही वो रास्ता है जहाँ से आप ऊपर की तरफ अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं। तो ये गाइज मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वेनसडे है तो वेनसडे को यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, तो सबसे पहले अपन को डायरेक्टली वहाँ उस तरफ नहीं जाना होता, राइट साइड में यहाँ से पीछे से अपन को गोल चक्कर होते हुए आगे की तरफ दर्शन करने जाना होता है। और यहाँ पे भी कुछ सामान पड़े हैं और छोटे गणेश जी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो जैसे ही गाइस अपन पीछे की तरफ से गोल घूम के आते हैं तो यहीं से अपन को गणेश जी के दर्शन हो जाते हैं। साइड में एक छोटी सी खिड़की लगी है तो वहाँ से भी मैंने मोबाइल से कुछ क्लिप ली हैं, बट अलाउ तो नहीं है, बट मैंने कोशिश की। आप देख सकते हैं साक्षात गणेश जी जो कि 500 साल पुराने हैं जोधपुर के, और काफ़ी चमत्कारी गणेश जी। और यहाँ पे बोली भी हर चीज़ गाइस पूरी होती है अगर सच्चे दिल से आप प्रार्थना करते हो। और यहाँ पे गणेश जी के जो वाहन है मूषक जी भी पड़े, तो इनके कान पे भी आप कुछ कह के अपनी जो मनोकामना है वो गणेश जी तक पहुँचा सकते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है गाइस। और आप लोग विजिट करें, काफ़ी अच्छा मंदिर है, आपका बहुत दिल खुश होगा यहाँ पर आके। तो ये गाइस मैंने बिल्कुल सामने से काफ़ी रिस्क लेके मैंने पंडित जी के सामने मोबाइल का कैमरा रख दिया था, और मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो गणेश जी जो 500 साल पुराने चमत्कारी गणेश जी, वो आप लोग साक्षात मेरे चैनल पे यानी ऑनलाइन देख सकते हैं। तो आपको मतलब देख के कैसा लगा बिल्कुल मुझे बताना। तो चलिए गाइस अभी अपन लोग बाहर चलते हैं, और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ एक शिवजी गुफा है, वहाँ पर चलते हैं अपन। तो गाइज ये है शिवजी गुफा के अंदर जाने का रास्ता, और अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिख सकती हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नेचुरल पहाड़ियों के नीचे जो है शिवलिंग स्थापित किया गया, और बहुत ही पुराना शिवलिंग है। यहाँ पे भी आप जब अंदर आएंगे तो आपको झुक के आना पड़ेगा, आप इसमें प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको बैठ के आरती करनी पड़ेगी, बैठ के सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज़ कितना अच्छा दृश्य मैंने आपको दिखाया है। तो गाइज़ वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आई तो गाइज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री गणेश जी और ओम नमः शिवाय लिखना तो बिल्कुल मत भूलना गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। गाइज अभी चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ से जैसे बाहर आता हूँ आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ जो हैं यहाँ से आप लोग नीचे भी उतर सकते हैं, बट मैं गाड़ी लेके आया तो मेरे को पीछे के रास्ते से यानी ढलान की तरफ से वहाँ पर नीचे उतरना पड़ेगा। तो गाइज जैसे ही हम लोग नीचे आए तो हम लोग देखते हैं कि एक नई बुलेट आई है यहाँ पे उद्घाटन के लिए, और जो भी आता है गाड़ी गणेश जी के मंदिर में आता है सबसे पहले उद्घाटन के लिए, कोई भी नई चीज़ आती है।
तो ये गाइज हम लोग वापस पीछे के रास्ते से, जैसे मैंने बताया था कि बाइक लेके आए तो पीछे के रास्ते से उतरना पड़ेगा हमको, तो यहीं से हम लोग उतर रहे हैं और देख सकते हैं कितनी मतलब ज़्यादा ढलान है। तो गाइज कोई एक्सपर्ट आदमी ना उसी को चलाना चाहिए यहाँ पे, बाकी तो आराम से लेके आना चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइज नीचे की तरफ, एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है जो हाल ही में रिसेंटली बनाया गया है। हमारे जोधपुर वासी तो आपको पता ही गाइज सेल्फी के एडिक्टेड हैं, तो उन्हीं सब के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो वहाँ पर हम लोग कुछ सेल्फीज़ वगैरह लेंगे और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी शाम को बहुत मजे करते हैं लोग यहाँ पे। बाजारों के सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छुप छुपाए ऐसी जी हम न पाए। तो गाइज आई होप आपको ये गणेश मंदिर का टूर जो पसंद आया होगा, मैंने काफी जितने भी नॉलेज थी मैंने सब कुछ बताया। और वापस आपको बता देता हूँ, ये 500 साल पुराना मंदिर है, यहाँ पे अपनी बोली भी जो मन्नत है, मनोकामना वो सारी की सारी पूरी होती है। तो जो भी जोधपुर आ रहा है ये गणेश मंदिर जरूर विजिट करें, रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो भी जोधपुर आ रहा है अच्छे से विजिट करना, बहुत अच्छा मंदिर है, दिल खुश हो जाएगा मंदिर घूम के। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना गाइज। I see.